आपका क्लाइंट आपको पेपाल के अंदर पेमेंट भेजना चाह रहा है लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके पास पेपाल नहीं है, तो किस तरह से आप वो पेमेंट रिसीव करेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आपके डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं और काम करने के बाद वो आपको डायरेक्ट पेमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो वो पेमेंट आप किस तरह से रिसीव करते हैं? आप उन्हें कहते हो कि आप पायनियर के अंदर भेज दो। मेजॉरिटी ये होती है कि उनके पास पायनियर का अकाउंट नहीं होता और किस तरह से वो अब पेमेंट आपको भेजें, तो इसका अभी पूरा डिटेल के अंदर सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप हैसल फ्री पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं अपने क्लाइंट से डायरेक्टली इनटू योर पायनियर अकाउंट, इवन उन लोगों के पास पायनियर अकाउंट ना भी हो तब भी। तो यहाँ पे जो हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं वो इस तरह से होगा कि हम पायनियर से बेसिकली बैंक्स लेंगे डिफरेंट करेंसीज़ के। अगर आपको यूरो मंगवाने हैं तो यूरो का बैंक भी पायनियर आपको प्रोवाइड कर देगा आपके अपने नाम का ही। इसी तरह से आपको GBP या पाउंड का बैंक चाहिए तो वो भी पायनियर आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह और काफ़ी जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के बैंक पायनियर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव यही दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने पायनियर के अकाउंट के अंदर जाके किस तरह से उस बैंक को क्लेम कर सकते हैं और उस बैंक की डिटेल्स को अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं और क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली उन बैंक अकाउंट्स के अंदर पेमेंट भेज सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ से HBL टू HBL पेमेंट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह का कोई इशू नहीं होता, तो इसी तरह ये भी इसी तरह क्लाइंट्स के लिए काम करने वाला है। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट जो है वो UK का है, तो आपने GBP का अकाउंट यहाँ से लिया अपने पायनियर अकाउंट से और उसको उसकी डिटेल भेज दी, उसने उस बैंक के अंदर पेमेंट ट्रांसफर की और वो पेमेंट आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिसीव हो जाएगी आपके पायनियर के अंदर। और बहुत सारी जगहों पे हमें अपने जो बैंक्स हैं वो अटैच भी करने पड़ते हैं। लेट्स से अगर हमें जो किसी मार्केट प्लेस पे जैसे अपवर्क है, अगर अपवर्क से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करते हो या फिर पायनियर के अंदर बैंक पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। बट यहाँ से अगर आप USA का बैंक क्लेम करते हैं और उसकी डिटेल्स को आप अपने अपवर्क के अंदर अटैच करते हैं या फाइवर के अंदर अटैच करते हैं तो विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी कॉस्ट आपकी तमाम पेमेंट वहाँ से पायनियर के अंदर डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग किसी भी करेंसी का बैंक अकाउंट अपने पायनियर अकाउंट्स के अंदर से ले सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पायनियर जो है वो ऑलरेडी लॉगिन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना क्या है, सिंपल यहाँ पे बैंक अकाउंट्स ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रिसीविंग बैंक्स, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखें मैंने दो बैंक्स ऑलरेडी क्लेम किए हुए हैं, एक UK का और एक USA का। तो अब आपको और बैंक्स चाहिए, लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है वो आपको यूरो के अंदर पेमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे देखें जिस भी करेंसी के अंदर आपको पेमेंट रिसीव करनी है अपने क्लाइंट से उस करेंसी का आप बैंक अकाउंट यहाँ से ले सकते हैं। AED दिरहम आपको चाहिए या आपका क्लाइंट दुबई के अंदर है वो आपको दिरहम भेजना चाह रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको चाहिए, यूरो चाहिए, सिंगापुर SGD चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूरो का अकाउंट चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट कर दूँगा। थोड़ी देर के बाद मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद मुझे एक बैंक अकाउंट मिल जाएगा। वो बैंक अकाउंट में किस तरह से एक्सेस करूँगा, सिंपल अगेन मुझे यहाँ बैंक अकाउंट्स में जाना है, रिसीविंग बैंक्स में जाना है और यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट्स जो हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल लेट्स सपोज मेरा जो क्लाइंट है वो यूरो के अंदर पेमेंट भेजना चाह रहा है, मैंने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरी ये बैंक डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। सिंपल मैंने इसको कॉपी डिटेल्स करना है और अपने क्लाइंट को भेज देना है, तो उसे भी पता है वो इसी बैंक के अंदर डायरेक्टली पेमेंट भेज देगा, वो इस बैंक के अंदर पेमेंट भेजेगा और वो पेमेंट आपको आपके पायनियर के अंदर रिसीव हो जाएगी और पायनियर से आप अपने लोकल बैंक के अंदर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी पेमेंट। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप इजीली जो है वो पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स के साथ। इसी तरह इन्हीं डिटेल्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो फीसिज एंड टैक्सेस हैं वो बच जाएं और जो भी अमाउंट आपकी उस मार्केट प्लेस के अंदर मौजूद है वो एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट आपके इस पायनियर के अंदर आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर आप चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका सोल्यूशन बताऊँगा। इसके साथ साथ ही अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं, शॉपिफाई सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने कोर्सेज रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ पे आपको कंप्लीट ए टू सी बिगनर गाइड्स मिल जाएंगी। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली नहीं है, आप कम्प्लीट सीख जाएंगे और घर बैठ के एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।